समझा रहा हूं, मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये एक लड़का है और सुबह सुबह कोचिंग आ रहा है, ठीक है। दादाजी बाहर बैठे बैठे हुक्का पी रहे हैं। अब दादाजी ने इसको देखा कि ये कहीं जा रहा है, तो पूछ रहा है, अरे घीसियाखंड जा रही थे है? तो घीसी बोले, दादा कोचिंग जा रही थी, बीएसटीसी की तैयारी कर रही तुम्हें। और तो यहां गए कहीं टाइम छे या कहीं क्या टाइम हो गया अपने भाषा में, टाइम क्या हो गया, टाइम बताना। तो वो छोरा क्या था, बदमाश था। 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5 और 7 भाई क्या टाइम हो गया। तो सीधा तो है ही नहीं छोरा, अरे सीधा तो है ही नहीं। तो इससे पूछा गया, तो इसने कहा, दादा दादा ये घंटे वाली सुई है ना, ये तो 8 से 9 के बीच में है। घंटे वाली सुई कहां है? 8 से 9 के बीच में है। कौन सी सुई है? घंटे वाली। और जो ये मिनट वाली सुई है ना, ये 4 से 5 के बीच में है। मिनट वाली सुई कहां है? 4 से 5 के बीच में। यानी बताने का तरीका अलग था। अरे अनपढ़ महिलाएं भी ऐसे ही बताती है भाई, कहीं टाइम हो कि आप मोटली सुई तो 8 से 9 के बीच में छे, अरे लामड़ी सुई 4 से 5 के बीच में छे। मम्मी और ऐसे ही बताती है, दादी आदि से पूछ के देखना। तो अब जब वे कोचिंग जा रहा है, तो कोचिंग जाने का सही समय क्या होगा या कोचिंग से आने का सही समय क्या होगा? और जब ये वापस आता है ना कोचिंग से, तो इससे पूछ ले फिर दादाजी ने, भाई अब क्या टाइम हो गया। तो बदमाश तो ही सही तरीके से जवाब देगा ही नहीं। क्या कह रहा है? दादा दादा मैं गए जोग, मेरी बात बता दू, मैं गए जोग, जना जेडे घंटाली सुई ची, जेडे तो मिनट वाली सुई है, और जेडे मिनट वाली सुई है, घंटाली सुई है, समझेगा। अरे घड़ी की दोनों सुइयों ने आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लिया। घंटे वाली सुई के स्थान पर मिनट वाली सुई आ गई, मिनट वाली सुई के स्थान पर घंटे वाली सुई आ गई। तो आने और जाने का सही समय क्या होगा, ये एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल घंटे वाली सुई का ध्यान रखना है कि जाते समय घंटे वाली सुई कहां थी। तो आपको पता है जाते समय घंटे वाली सुई कहां है? 8 से 9 के बीच में। और आते समय घंटे वाली सुई कहां है? अगर स्थान परिवर्तित कर लिया तो कहां से कहां के बीच में आ गई? 4 से 5 के बीच में। ये 4 से 5 के बीच में समानुपात ठोक दू तो समझ गए। अरे इसको हल करते हैं तो क्या करते हैं? आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, यही तो होता है। मगर अपन ऐसे नहीं करेंगे, अपन ऐसे नहीं करेंगे। आपसे जब भी पूछे क्या जानने का समय, किसका पूछे जानने का समय, तो आने वाली अंतिम संख्या क्या है? 5 से गुणा कर देंगे। जाने का समय पूछे तो आने वाली अंतिम संख्या से गुणा करेंगे। और आने का समय पूछे, क्या पूछे? आने का समय पूछे तो जाने वाली अंतिम संख्या से गुणा करेंगे। कैसे करेंगे वो और बता देता हूं। इसके लिए एक सूत्र बनता है 60/13। अब कितना लिखना है? 13। इतने समय कितना लिख रहे थे, अब कितना लिखना है? और इनटू विपरीत समय, इनटू क्या है? विपरीत समय। 60/13 तो ऐसे कैसे रहेगा? आपको अपनी तरफ से क्या लिखना है बेटा? विपरीत समय। विपरीत समय कौन सा होता है? अगर आपसे जानने के बारे में पूछे तो कौन सी संख्या लिखेंगे? आने वाली अंतिम संख्या। आने वाली अंतिम संख्या क्या है? 5। यानी आपसे पूछे भाई साहब जानने का समय बताओ, जानने का समय बताओ, तो क्या लिखोगे? 60/13 इंटू 5। ये विपरीत समय है। जानने की पूछे तो आने वाला अंतिम समय, और आपसे ये पूछ ले भाई साहब आने वाला समय बताओ, तो 60/13 इंटू जानने वाली अंतिम संख्या। जानने वाली अंतिम संख्या, जानने का पूछे तो आने वाली अंतिम संख्या, और आने का पूछे तो जानने वाली अंतिम संख्या क्या है, ये एग्जैक्ट मान आ जाएगा। अब देख लेते हैं, 6 × 5 = 300 इंटू, अरे इंटू क्या लिखो? इंटू तो कर ही लिया ना अपन ने, तो
इसमें इसका भाग दो देगा कितनी बार जाता है, 13 एकम 13 और 13 दूना 26 कितना बच गया, तो गया 40, 13 1/13 1/13 ये है मान। तो जब ये जा रहा था तो जाने का समय, जाते समय घंटे वाली सुई कहां थी, 8 से 9 के मध्य थी, तो ऐसे लिखो 8:23 1/13 मिनट ये इसका जाने का समय था। अब देखना जब वह विद्यालय जा रहा था तो घंटे वाली सुई 8 से 9 के मध्य और मिनट वाली सुई 4 से 5 के मध्य। अब 8 बजकर वो आएगा, 4 का मतलब कितना होता रहा है 20 मिनट और 5 का मतलब कितना होता रहा है 25 मिनट। मिनट वाली सुई इनके बीच में थी और बीच में से तो कितनी मिनट आ रही है बताओ, बीच का ही आ रहा है। तो जब विद्यालय जा रहा है तो 8:23 1/13 मिनट हो रही है और आने का पूछे तो 9 6 540 13 52 कितना बच गया 2 20 13 1/7 13। यानी जब वह आ रहा था तो क्या टाइम हुआ 4:41 7/13 यानी 4 तो ये है ही। अब देखो मिनट वाली सुई इधर आ गई, इसका मतलब कितना होता है और इसका मतलब कितना होता है 41, बताओ इनके बीच की बात है या नहीं है, आई मेरी बात समझ में आई। इसका सूत्र कैसे लिखना है वो मैं बता देता हूं। देखो आने वो जाने का, देखो जाने का पूछे या आने का पूछे, आपको क्या करना है 60/13 × विपरीत समय। कंप्लीट ये सूत्र हो गया, विपरीत समय कौन सा लिखना है तो इसको मैं ऐसे लिख दूं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ऐसे लिख दूं, अरे लिख दूं ना। अब देखो जानने वाला समय पूछे तो कौन सी संख्या लिखनी है, आने वाली अंतिम संख्या, और आने का पूछे तो कौन सी लिखनी है, जानने वाली अंतिम संख्या। काम कंप्लीट है, आगे बात समझ मेरी, अरे आई या नहीं आई, पक्का आ गई तो उतार लो फिर।